चलो हेलो शेफा काशीराम एक बोलो। हाँ इक्यावन यार क्या रुपया सामने आ गया लग वो, आ गया वो, घूम रहा है, आ गया वो इक्यावन रुपया पचपन, छह सौ पचपन, छह सौ पचपन, छह सौ पचपन, 61 इकसठ, छह सौ इकसठ, 65 रुपया, 65, 665, 665 है, 665, 65 रुपया, 70, 670, 670, बोरी है यार, 60, 64, यही है और नहीं बढ़ा लियो, 670, लिया तो अपने जहाँ क्या था, बोलो जा, अरे बहुत बढ़िया लगा, तो बोले भी पत्रकार संघ है, हाँ तुम लगाओ 670 बोलो, पत्रकार संघ है बोलो, बोलो बोलो 670 670 पचहत्तर रुपया, 75 रुपया, पचासी पचासी, सात सौ एक, सात सौ एक, सात सौ दो, सात सौ दो, सात सौ दो, सात सौ पाँच, सात सौ ग्यारह, सात सौ ग्यारह, सात सौ ग्यारह, सात सौ ग्यारह, सात सौ एक, सात सौ एक, अरे लिखा जाए छुन्नी भी जाओ, अरे यार लिखा पच्चीस का, पच्चीस पच्चीस, इकतीस, इकतीस दो, और कोई बचने वाला भाई, बोलो रुपया, और कोई बची वाला भाई, इकतीस लिखो जाए चुन्नी, बोलो चलो सात सौ इकतीस रुपए में बिक्री हुआ है, किसान किसान भैया ये है सालू के किसान भैया, कहाँ से आए हो, कितने में बिका, इकतीस बिक्री हो तुम, बड़ा शांत खड़े थे भैया, सात सौ इकतीस में, कितने दिन का था ये, दो महीने पूरा, ऐसा है इसमें जल्दी जल्दी लोग दो महीने होने नहीं दे रहे, पूरा पूरा ये भैया साइज है, और ये 731 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से बिका, कितने कट्टे लाए थे, 64 है, 64 कट्टे लाए थे, 731 रुपए पैकेट के हिसाब से बिक्री हुआ ये 731 रुपए, सब है भैया, सात सौ इकहत्तर रुपए पैकेट के हिसाब से भैया, व्यापारी ग्यारह सौ व्यापारी लिया, सुन्नी अकबरपुर, अकबरपुर माती, तुम्हें 2D एनिमेशन का कॉन्सेप्ट के बारे में पता है? हाँ, तुम्हें नहीं पता क्या, मैं तो अपने बिजनेस के लिए बहुत सारा एड वीडियो बनवाया हूँ, जिससे मेरे बिजनेस में काफी ग्रोथ आया है। अच्छा, ये बात है, मेरा बिजनेस बहुत दिनों से डाउन जा रहा है, इसलिए मुझे भी एड वीडियो बनवाना है। तो तुम यूनिकॉर्न डिजिटल से कॉन्टेक्ट कर लो, मैं भी अपना बिजनेस का सारा वीडियो वहीं से बनवाता हूँ। यूनिकॉर्न डिजिटल वो क्या है? हाँ,
इंडिया का नंबर वन ट्रस्टेड एडवर्टाइजमेंट कंपनी यूनिकॉर्न डिजिटल पे आपको मिलेगा हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में प्रोफेशनल वॉइस ओवर द्वारा कार्टून एंड मोशन ग्राफिक वीडियो, लोगो एनिमेशन, पोस्टर एंड बैनर डिजाइन जैसा कहीं सर्विस पाने की सुविधा। तो अभी हमारे साथ आलू आरती, क्या नाम सर आपका? सुभाष ट्रेडिंग कंपनी। कौन सी जगह है? लवीगंज। आज क्या तारीख है सर? आज तारीख 22 तारीख है, 22 नवंबर 2023। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि नबीगंज मंडी में किस तारीख को आलू आया था सबसे फर्स्ट? आलू तो यहाँ पर आया था 20 तारीख 20 को आपकी मंडी में। हाँ, मंडी। कितने कट्टे आए थे और क्या भाव में बिके? 20 तारीख को करीब लगभग होंगे तो 100 के समथिंग में थे। 100 के समथिंग। क्या रेट बिके थे? ये बिके थे 1001, 1011 और 800 से लेके 1011 ऊपर में, मतलब 1011 रुपए प्रति कट्टा रहा 20 तारीख। तो अभी तक अगर जोड़ा जाए तो आज लगभग 22 आज 22 तारीख 22 हो गई है अभी तक। कल कितनी आमदनी हुई थी? कल तो 2000 पैकेट आमदनी थी। 2000 पैकेट ज्यादा भी थे। 2000 से ज्यादा? हाँ, इस मंडी में। कल क्या भाव रहे थे? कल वही रहे 700 से लेके 800 रुपए। 700 से लेके 800 रुपए। बढ़िया सी बात। और आज अभी कितनी आमदनी है और कितनी हो सकती है? आज अभी लगभग हमारी ख्याल में 150 पैकेट मंडी में आ चुके हैं। आज क्या भाव रहेंगे? आप देखिए व्यापारी की तरह क्या भाव करेंगे। कोई कोई भाव तो क्लियर है ही नहीं। नया आलू है जिस भाव में बिक रहा है पता नहीं। नया आलू है, कोई भाव नहीं। व्यापारी इसका मार्केट क्या देता है? अच्छा, लगभग रोज 10-15 गाड़ी या 10 गाड़ी या 5 गाड़ी माल कब से आना शुरू हो जाएगा? ये लगभग 1 तारीख से माने 1 तारीख से माल आना सही शुरू हो जाएगा। जो भाव अभी मिल रहे हैं आगे चल के भी क्या मिल सकते हैं? नहीं सकते इस बात के लिए। आलू अंदाजा क्या कह रहा? अंदाजा तो ये लगभग हमारा तो अंदाजा यही कह रहा है कि 600 से लेके 700 रुपए तक तो मिल जाने चाहिए, 1 तारीख तक रहना चाहिए। तो इस साल जो आलू आए हैं उनकी क्या साइज क्या रहे? अभी अभी बड़ा नहीं है आलू, 20 साइज में हल्का हल्का आला ना, मतलब मीडियम बड़ा नहीं है। आपके बिजनेस का मार्केटिंग पार्टनर पाइए मार्केटिंग फेस्टिवल पोस्ट और वीडियो, वो भी आपके बिजनेस डिटेल के साथ। ना ये वाला बिक्री हो चुका है, अदरवाइज देख रहे हो आप लोग धीरे धीरे करके आमदनी जो है मतलब बढ़ रही है और धीरे धीरे करके आलू जो है आ रहे हैं, अदरवाइज और भी आएंगे मतलब। तो संभवता ये है लगभग 1500 कट्टे की 1500 की हो जाएगी नबीगंज मंडी में हो जाएगी। तो अभी इनके यहाँ पे आलू आरती जो है, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। अभी ये बोली लग रही थी आपकी दुकान पे? हाँ, हमारी दुकान। लगभग कितना आमदनी आ रही मंडी में? आमदनी 500-600 कट्टे हो रही है। 500 लेके 600 कट्टे। हाँ, 500-600 भी अब बढ़ रही है धीरे धीरे। कल बता रहे बहुत ज्यादा हो गई, कल तो हो गई थी, कल 1000-2000 की। हाँ, कल 1000-2000 की। क्या क्या भाव में बिके थे आलू कल? कल तो वो भी बिके थे 650-700 और क्या नाम 600 ऐसे बिके थे। अच्छा, आज? आज तो अभी तो हमारे यहाँ तो जो बोली लगी है वो तो 731 रुपए के टाइट है। कल टाइट है, कल से टाइट खोल दिया वाला एकदम से। अभी हमें लग रहा भाव स्थिर तो रहने का कोई उम्मीद नहीं है। अभी स्थिर रहने कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी आलू क्वालिटी के हिसाब से बिकता है। आलू क्वालिटी जैसी अच्छी होगी, जिसकी जैसी क्वालिटी है भाई उस हिसाब से बिकेगा। देखो अभी आया है और बाद देखो अभी बिक्री हुआ है ना, इसका भी देखो सीधा यहाँ पे लोडिंग होगा। और बाहर के व्यापारी लग रहा आने लगे हैं। बाहर के आज ही से शुरू हुए हैं, आज ही तो लग रहा है क्या दुकान है। तो आप तो और तेजी रहेगी मंडी में, आप टाइट नहीं रहेगा क्योंकि बाहर व्यापारी आने लगे ना। कुछ लोग कल कोई बाहर का नहीं था। अच्छा, तभी यहीं के लोकल होंगे? लोकल के थे। आमदनी आएगी, व्यापारी भी आएंगे, व्यापारी भी आएगा। तो सही रूप से आमद कब से शुरू हो जाएगी? सही रूप से वही 30 तारीख से आमद शुरू होगी। 30 तारीख अभी तो टोटल सितंबर वाला चल रहा है, चल रहा है अक्टूबर का जब आएगा चलेगा तभी आमद। तो ये मंडी कितने बजे से कितने बजे तक शुरू हो जाती है मंडी? ये अभी तो मतलब टाइम से बाद को तो आलू आने लगता है 4 बजे से, और वही मंडी में आलू बिकता रहता है 3-4 बजे तक। रात को, रात की मंडी रात में कभी तो बिकता रहता है 3-4 बजे तक, सुबह 3 बजे तो सुबह तक बिकता है, मतलब पूरी रात बिक्री चलती है। पूरी रात बिक्री चलती है, लोडिंग होती रहती है, बिकता भी रहता है। हाँ, मतलब मंडी पूरी रात। हाँ, मंडी पूरी रात है, रात की मंडी है, रात की मंडी है। अभी ये उतरेगा कि सैंपल भी खुलेगा? इसका सैंपल भी खुलेगा।
ये कहाँ से आए, ये कौन किसान है आप है? हाँ, आलू आप लाए? हाँ ये लाए। कहाँ से आए हो आप? बेवर। कौन सा आलू लाए उसमें? कौन सा आलू लाए? पुखराज ही होगा अभी तो, जैसे पुखराज जा रहा है, सजा गाड़ा होगा। तो कितने दिन का हो गया था? जी 2 महीने। आपके क्षेत्र में आलू की खुदाई सही से कब से शुरू हो जाएगी, मतलब खूब आने लगेगा? पहली तारीख से। अभी मतलब 8-10 दिन लगने वाले हैं, सभी लोग मतलब यही कह रहे हैं ना। तो अभी आपने भाव पूछा होगा फोन से? फोन 5 साल। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया है। तो आपका इतना ही अभी कच्ची जिनका है या और भी है? अरे हमसे 50 बीघा आलू। कच्ची का टोटल? हाँ।